तस्मात लय पर्यंत यत स्थितम जल या पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के परमाणु से बनता है। ये सारे प्राणियों के जीवन का आधार है और भारतीय संस्कृति में जल की पूजा देवता के रूप में होती आई है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार वायु और आग की प्रतिक्रिया के कारण जल उत्पन्न हुआ है। वेदों में जल को आपो देवता कहा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में सर्वाधिक जल। आयुर्वेद के प्रसिद्ध व प्राचीन ग्रंथ अष्टांग हृदय में शीतल जल के गुणों का व्याख्यान करते हुए कहा गया है कि यह जल मदात्य, गलानी, मूर्छा, वमन, थकान, चक्कर आना, प्यास, गर्मी, जलन, रक्त और विष को नष्ट करता है। हिमालय से उत्पन्न नदियों का जल पत्थरों से टकराने के कारण विक्षोभित होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जिस कारण पानी में ऑक्सीजन मिल जाती है और रोग नाशक हो जाता है। हिमालय की धौलाधार पहाड़ियों के आंचल में बसा कांगड़ा जिला एक सुंदर और ऐतिहासिक बसाहट है। कांगड़ा के रीति रिवाज, रहन सहन और संस्कृति सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पानी के प्राकृतिक एवं पारंपरिक स्रोतों के भंडार हैं। कांगड़ा जिला में जल सिर्फ आदमी के जीने की जरूरत ही नहीं बल्कि संस्कृति और धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार जल के बिना अधूरे रहते हैं। इन स्रोतों के पास पीपल, बरगद या बदो के पेड़ प्रायः देखे जा सकते हैं। जहाँ जहाँ ये होते हैं वहाँ वहाँ पानी मिलने की संभावना रहती है। कांगड़ा में मुख्यतः बावड़ी, नौन, छुरुड़ू, खात्रियाँ, कूलें, तालाब व पोखरों पर निर्भरता रही है। दुर्भाग्यवश समय के साथ साथ इनका संरक्षण व रखरखाव नहीं हो पाया। आदमी की व्यस्तता, सुविधा संपन्नता इसके लिए सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है। कांगड़ा जिला के रीति रिवाजों, आस्थाओं में बावड़ियों का विशेष महत्व रहा है। बावड़ी, जिसे स्थानीय भाषा में बां या बॉडी कहते हैं, कांगड़ा में बावड़ियां पीने के पानी का प्रमुख स्रोत रही हैं। हर गांव में दो या इससे अधिक बावड़ियां आसानी से मिल जाया करती हैं। सुबह दिन निकलने से पहले कभी इन बावड़ियों पर गांव की महिलाओं के मेले देखने को मिला करते थे, जहां सर्वप्रथम महिलाएं हाथ मुंह धोकर कतार बांधे पीपल के पेड़ को बहुत श्रद्धा से जल अर्पित किया करती थीं। उसके बाद वो अपने घर के लिए जल लाया करती थीं। चप्पल, जूते लोग बाहर ही खोला करते थे ताकि जल स्रोत गंदा ना हो। घरों में जब नल नहीं पहुंचा था तब तक गांव व नगरों में मीठे पानी की कोई कमी नहीं थी। बावड़ियों के पास पत्थरनुमा मोहरे रखकर उनकी पूजा करना जिला कांगड़ा के लोगों की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। पीपल, बरगद या बावड़ियों, कुओं के पास ये पत्थरनुमा मोहरे रखे जाते हैं। इन्हें जल व भोजन अर्पित किया जाता है। विवाह संस्कार में लोकाचार रीतियों से पता चलता है कि बावड़ियों, कुओं का कितना अधिक महत्व रहा है। विवाह संस्कार में प्रातःकाल दूल्हे व दुल्हन का मामा बावड़ी या कुएं में जल भरकर रस्म निभाता है, जिसे पानी न्यूंदरना कहा जाता है। तब महिलाएं यह लोकगीत गाती हैं, जागा ओ चिड़ियो पखेरुओ। नवेली दुल्हन ससुराल आती है तो जल भरवाने की रस्म निभाई जाती है। तब गांव की महिलाएं गीत गाती हुई जाती हैं और दुल्हन से बावड़ी या कुएं से पानी भरवाया जाता है। बावड़ियों की तरह नौन भी यहां की प्रमुख जल स्रोत रहे हैं। नौन, जिसे बावड़ी भी कहते हैं या बड़ी बावड़ी भी कहते हैं, नौन के पानी का प्रयोग ज़्यादातर कपड़े धोने व नहाने के लिए किया जाता है। पहले पानी की उपलब्धता के लिए
कुओं का निर्माण भी जगह जगह किया जाता था। प्राचीन काल में राजा अधिक से अधिक कुएं खुदवाकर अपनी महानता दर्शाते थे। कुआं खुदवाना पुण्य और पुत्र के समान माना जाता था। कांगड़ा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ मुख्यतः ज्वालाजी, नूरपुर, मैदानी भागों में कुएं खुदवाने की परंपरा आम रही है। अकेले ज्वालाजी शहर में 365 कुओं का होना इस परंपरा का ज्वलंत उदाहरण है कि मध्य हिमालय के इस क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए लोग कितने जागरूक थे। अब कुओं की हालत बेहद खराब हो चुकी है। नियमित सफाई, उपयोग के अभाव में कुओं का वजूद धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कई जगह कुओं का पानी सिर्फ सिंचाई के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, पीने के लिए बिल्कुल नहीं। छरूड़ू यानी स्प्रिंग, इनका पानी पीने के लिए और नहाने के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर ऐसे क्षेत्रों में छरूड़ू बनते हैं जहां धरती में कई दरारें और कटाव हो, जिनमें बारिश, नदियों और झीलों का पानी प्रवेश कर जाए। फिर ये पानी जमीन के अंदर ही प्राकृतिक नालियों और गुफाओं में सफर करता हुआ किसी और जगह से चश्मे के रूप में उभरता है। जो जमीन से निकलने वाला पानी है, वो से जिस स्रोत से वो निकलता है, उसको लोक संस्कृति में सीर कहते हैं। और वो सीरों का जल ही किसी स्थान विशेष पर बावड़ी के रूप में, बौड़ी के रूप में, किसी छोटे से सूढ़े के रूप में या कुएं के रूप में जो है वो लोगों के द्वारा संरक्षित किया जाता था। और फिर उसको जो है वो घर ला करके जो है वो प्रयोग किया जाता था। तालाब भी लोग बनवाते थे, लेकिन अब वर्तमान में इतना अधिक प्रदूषण जो है वो फैल चुका है कि तालाबों का अस्तित्व जो है वो कई जगह पर नाजायज कब्जों की वजह से जो है वो तालाब की संस्कृति खत्म हो चुकी है। और जहाँ पर कहीं थोड़े बहुत तालाब हैं भी, तो वो केवल बरसाती पानी का ही स्रोत बन करके रह गए हैं, बाकी जो है वो खत्म हो चुके हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो गया है। बावड़ियाँ बनवाना या कुआं खुदवाना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम जो है वो लोगों के लिए माना जाता था। बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं, उन लोगों की बहुत अधिक आदर मान और इज्जत करते थे जो कोई कुआं खुदवाता था। बावड़ी बनाने के लिए जो लोग थोड़ी बहुत मेहनत करते थे, और छोटी से लेकर के बड़ी बावड़ी तक, बड़ी बावड़ियों को जो है वो नौन भी कहा जाता है, जहाँ पर जितनी अच्छी और जितनी ज़्यादा जो है वो पानी का स्रोत जो सीर जो है वो होती है, और जिस बावड़ी का पानी जो है वो बाहर निकल करके बहता रहता है, वो पानी सबसे अच्छा और पौष्टिक माना जाता है। साथ ही साथ एक और भी जो है वो तथ्य जो है वो ध्यान देने योग्य और वो वैज्ञानिक प्रमाणिक बात है कि जो जमीन बंजर होती है और उस बंजर जमीन से निकलने वाला जो बांजरा पानी है, वो सबसे अधिक पौष्टिक होता है। उसमें सारे तत्व जो है वो प्राकृतिक रूप से जो है वो उसमें समाये हुए होते हैं। धर्मशाला से 12 किलोमीटर की दूरी पर पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज के भागसुनाग गांव में स्थित भागसुनाग मंदिर का ये छरूड़ू लाखों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इसमें वर्ष भर पानी इतनी मात्रा में बहता है कि जानकारों का कहना है कि इस स्रोत से धर्मशाला शहर के लोगों को पेयजल सुविधा देने के लिए कोई बड़ी योजना बनाई जाए तो सफल सिद्ध हो सकती है। यही नहीं, इस स्रोत का पानी इस सप्लाई के बाद भी सरप्लस होकर दूसरे इलाकों के लिए आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। पर्वतीय संस्कृति में वर्षा जल संग्रहण की जबरदस्त परंपरा रही है। तालाब और पोखरों का निर्माण सामाजिक जरूरतों और पुण्य के लिए किया जाता था, जिसमें आपातकाल स्थिति में तालाबों के जल के इस्तेमाल के भी संदर्भ मिलते हैं। इसी तरह पोखर या कुफर यानी तालाब का छोटा रूप, जिसका निर्माण प्रायः गांव के बाहर किया जाता था, सारे गांव के पशु इसी में पानी पीने के लिए आते थे। इनका प्रयोग बरसात के बाद 4 से 6 महीने तक आसानी से किया जाता था। कांगड़ा जिला के कुछ ऐतिहासिक तालाब हैं जो पर्यटनीय स्थल के रूप में उभरे हैं, जिनमें से प्रागपुर का तालाब या नौण विश्वविख्यात हैं।
परागपुर को 2009 में धरोहर गांव का दर्जा दिया गया था। यह देश का पहला घोषित धरोहर गांव है। अंग्रेजों के शासन के दौरान निर्मित इमारतें आज भी यहां देखी जा सकती हैं। इस क्षेत्र में पानी की प्रायः कमी रहती थी। ब्रिटिश काल में सूद समुदाय के लोगों ने पहल करके इसका समाधान निकाला। सभी गांव वालों के आर्थिक सहयोग से परागपुर से करीब 5 किलोमीटर दूर लगबलियाणा गांव से पानी यहां तक पहुंचाया गया। पानी टैंकों में भरने के बाद एक तालाब में इकट्ठा हो जाता है। गांववासी पीने के लिए केवल मात्र इसी पानी पर निर्भर हैं। यह तालाब करीब 150 वर्ष पुराना है। यहां गर्मियों में गांव के लोग स्नान भी करते हैं। इसके अलावा इस तालाब के आसपास कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। परागपुर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। आज से 200 साल वर्ष पहले परागपुर के जो उस समय के बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने इकट्ठे होकर बैठे और उन्होंने पानी की समस्या को हल करने का प्रॉब्लम सोची, कैसे ये पानी की प्रॉब्लम कैसे हल हो सकती है। तो उस वक्त के लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे डाल के सब ने पैसे इकट्ठे किए और यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूरी की जगह है बलियाना, वहाँ पर लोगों ने पानी इकट्ठा किया। उस समय में बांस बम्बू लिए और बम्बू के साथ बम्बू जोड़ के पानी जो है बाई ग्रेविटी वो लोग बलियाना से परागपुर ले आए। उस वक्त से लेकर आज से ये 200 वर्ष पहले की बात है। 200 वर्ष पहले पानी फिर गया बम्बुओं से, बलियाना गांव से परागपुर आ गया। अब बम्बुओं से पानी तो आ गया, लेकिन इट वॉज इम्पॉसिबल कि ये कंटिन्यूसली पानी बम्बुओं से चलता रहे। हिंदुस्तान में 200 वर्ष पहले पाइप नहीं बनती थी, लोहे की पाइप। पैसा इकट्ठा करके इंग्लैंड से पाइप मंगाए, वो पाइप बम्बुओं को उखाड़ दिया और उसकी